हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस टेस्टी से दम आलू की सब्ज़ी रेसिपी, जो हमारे एकदम से रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल बनकर तैयार हुई है। तो आप प्लीज़ देखिएगा मेरी वीडियो को पूरी, और आइए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे बनाई है इस टेस्टी सी सब्ज़ी को। चलिए देखते हैं, लेट्स गो। देखिए, हमने आलू ले लिए हैं दम आलू बनाने के लिए, और स्मॉल साइज़ के आलू लेने हैं हमें इस साइज़ के। तो फटाफट से हम अपने आलू में नाइफ की हेल्प से इस तरीके से कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं हम, क्योंकि इसे करने से हमारे आलू जल्दी कुक हो जाएंगे, और जो हम मसाले में इसे फ्राई करेंगे वो भी अच्छे से मसाला इसके अंदर जाएगा। देखिए, हमने सारे पटेटोज़ में नाइफ़ की हेल्प से इनमें स्पेस दे दिया है, और अब इन्हें हमने गैस पे कढ़ाई रख ली थी, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है, और ऑयल भी हमारा अच्छे से हॉट हो चुका है। तो अपने इसमें पटेटोज डालेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक एक करके सारे डाल देते हैं, इन्हें खूब अच्छे से हमें फ्राई करना है, ये पक जाएंगे, और जो थोड़े बहुत बचेंगे वो हमारे ग्रेवी में कुक हो जाएंगे। इस तरीके से देखना, देखिए सारे हमारे फ्राई हो रहे हैं ही, इन्हें 10 से 15 मिनट लगेंगे अच्छे से फ्राई होने में, तो इन्हें फ्राई होने देते हैं। इधर हमने ग्रेवी के लिए एक मीडियम साइज़ की अनियन कट कर ली है, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, दो ग्रीन चिली और दो मीडियम साइज़ के टमाटोज रफली चॉप कर लिए हैं। अब इन सब का हम अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इधर हमारा पेस्ट तैयार है, ये हमने टमाटोज प्यूरे बना ली है, और ये हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार है। सॉरी, अदरक नहीं है, सिर्फ प्याज लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये टमाटो प्यूरे तैयार है। इधर हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं तेल में से। देखिए, हमने सारे अपने पटेटोज़ को तेल में से निकाल लिया है, और ये हमारे पटेटोज़ 80% कुक हो चुके हैं। अब इधर हमने कढ़ाई थी, इसमें से थोड़ा जो एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है। अब हम अपना ग्रेवी स्टार्ट करते हैं बनानी, तो इसमें दो लाल साबुत मिर्ची ऐड कर देते हैं, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, थोड़ी सी सोटे कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम अपना क्यूमन सीड्स जीरा ऐड करते हैं, फिर थोड़ा फ्राई होने देते हैं, और इसके बाद अपनी थोड़ी हींग ऐड करते हैं इसमें। बस इसके बाद जो हमने अपना पेस्ट बनाया था प्याज का, लहसुन और दो हरी मिर्ची का, वो पेस्ट अपना ऐड कर देते हैं। कर दिया है अपना पेस्ट, अब इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं।
देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम अपनी सब्जी चेक करते हैं। देखिए क्या लाजवाब कलर आया है इसके ऊपर, और कोई तस्वीर नहीं डाली है मैंने, देखिए आप। और हमारे रेडी हैं दम आलू, टेस्टी से दम आलू बनकर। देखिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टेस्टी सी रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी हमारे जो दम आलू हैं वो बनकर तैयार हुए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम अपना फ्रेंड्स गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस हमारे जो आलू हैं, जो टेस्टी से दम आलू हैं, वो बनकर तैयार हैं, देखिएगा आप और एंजॉय लीजिएगा इस रेसिपी का। और आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो टेस्टी से दम आलू हैं वो बनकर तैयार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।